कस्बा कोसीकला के नंदगांव रोड स्थित न्यू अग्रवाल कॉलोनी के पास बने हनुमान मंदिर से गाय चोर कई गाय चुरा ले गए। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर तमंचे से मारने की धमकी देकर गाड़ी में भरकर गायों को ले गए। बीती रात्रि कस्बा कोसीकला के नंदगांव रोड स्थित न्यू अग्रवाल कॉलोनी के पास बने हनुमान मंदिर से एक गाय और मंदिर से कुछ ही दूरी पर सड़क पर घूम रही कुछ गायों को अज्ञात गाय तस्कर तमंचे के बल पर रात्रि 11 बजे गाय चुरा ले गए। गायों को गाड़ी में भरते हुए देख स्थानीय लोगों ने गाय तस्करों पर पथराव भी किया। पथराव को देखकर गाय चोरों ने स्थानीय लोगों के ऊपर कई फायरिंग किए। फायरिंग करने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और अपने आप को बचाने में लगे, जिसका फायदा उठाकर गाय चोरों ने गायों को जल्दी से गाड़ी में भरकर कोसीकला की तरफ ले भागे। स्थानीय लोगों ने उनकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस के देरी से पहुंचने से पहले ही गाय चोर गायों को ले गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। रात्रि में हुई गाय चोरी की घटना के बाद हनुमान मंदिर पर एकत्र हुए और गाय तस्करों के द्वारा कई बार हुई गाय चोरी की घटना को विचार विमर्श किया और पुलिस के देरी से पहुंचने पर विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करने और गाय चोरों के ऊपर अंकुश लगाने की बात कही है। आपका नाम होगा? सेवादास। क्या घटना हुई रात को? यहाँ जी वो आए और यहाँ पे सो रहे थे। अच्छा, अंदर सो रहे थे। हाँ, गाय हुई आपकी? गाय है वो चढ़ाई, इनको हल्ला हो तो आया। अच्छा। जब मैं खड़े हो नहीं थी लिखा है और जब मैं जो देखे गाय जो। अच्छा। और जब इतने देर में था नंदगांव रोड की मतलब कोसी की तरफ वो लेकर के भाग तक पीछा किया है। कितनी गाय थी? कितनी गाय थी? चार, दो लाए थे। हाँ। और एक हमारी तीन और एक लाए थे। तीन गाय मतलब चार, तीन गाय को अलग अलग कॉलोनी में से लेके आए थे। हाँ। तो आपकी गाय की क्या कीमत रही होगी? हमारे नीचे क्या हथियार वगैरह भी थी उनके पास? हथियार भी थे वो तो आज भी उसके साथ है। गाड़ी कौन सी? तो पुलिस आई थी? बहुत देर बाद आ गई। आपने सूचना तुरंत दे दी थी पुलिस? गाय चोरी की जो घटनाएं हो रही है, आप साधु संत हैं, मुख्यमंत्री भी साधु के तौर पे कहे जा सकते हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे इस घटनाओं के बारे में? अब उनके लिए हम तो यही कहेंगे कि ये काम यहाँ जो है वो हमारे सामने ब्रज है, ब्रज में गाय उठान का काम हो रहा है। हम तो यही बात है, ये हमारे सामने हम गाय वाले हैं कि यहाँ से वो चोरी कर रहे। मैं न्यू अग्रवाल कॉलोनी नंदगांव रोड यहीं पे रहने वाला हूँ कोसीगला। क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ? घटना ये थी कि न्यू अग्रवाल कॉलोनी से एक लड़का था, वो आया था अपनी सर्विस करके, तो रात के जैसे 11 बजे आया तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसे बिना पूछे उस पर थप्पड़ ऊपर चलाए और फिर उसे कट्टा दिखाया, वो भाग गया। उसने जैसे ही हल्ला मचाया तो आस पास के लोग थे, सतवीर पहलवान, चतक टेंट चनौरी वाले और दो तीन और आदमी थे, वो भाग के आए तो वहाँ से गाड़ी को लेके आ गए भगा के। फिर उन्होंने यहाँ लोड किए मंदिर के पास, फुटा रोड के सामने, तो यहाँ जैसे लोड कर रहे थे फिर आके उन्होंने साग दिखाते हुए बादरी का, फिर उन पर ईंट पत्थर जूझे और उन्होंने चलाए, फिर यहाँ से वो भाग गए। उन्होंने फायर करी है, यहाँ से तीन फायर करी है, फायर किसी में लगी नहीं है गोली जैसे भी, और फिर यहाँ से वो बार बार ये कोई आपकी घटना नहीं है, कई बार घटना कर चुके हैं यहाँ, इससे करीब तीन बार पहले ही घटना हो चुकी है। पहले हमारे महाराज जी को यहाँ पे बांध के पीठ पाट के गए थे, जबकि बहुत और सामान ले गए थे मंदिर से। कौन सी जगह से? यही तीस फोटा रोड से। महाराज जी का नाम? महाराज जी का नाम सेवादास है, आश्रम हरिदास। घटना की सूचना पुलिस को दी? कितनी यहाँ से कितनी गाय ले जा चुके? यहाँ से करीब 40-35 गाय वो ले जा चुके हैं। पहले भी? पहले भी। आश्रम से? हाँ जी। अब यहाँ गाय नहीं रहती? अब गाय यहाँ रहती है, गाय तो यहाँ रहेंगी क्योंकि ये तो बिल गया। यहाँ गाय वैसे भी आ जाती है, बाहर से छोड़ जाते हैं गांव से लोग, तो वो यहाँ पे रहती हैं, तो फिर ले जाते हैं की तरफ भाग गए। वो गए सीधे कोसी की तरफ। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई थी 30-35 मिनट बाद। पुलिस अगर सक्रिय दिखाती तो वो पकड़े जाते? पकड़े जाते, जरूर पकड़े जाते, क्योंकि वो अगर इधर
अगर ये भटेंगे चोर वहाँ जाते तो वहाँ पकड़े जाते, इधर हाईवे उधर पकड़े जाते, वो जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। कितने लोग थे गाय चोर? गाय चोर एक ड्राइवर था, छह आदमी उसके साथ थे, तीन ऊपर चढ़ा रहे थे, तीन नीचे से धक्का दे के ऊपर ले रहे थे। गाय को उठाने का अंजाम किस तरह से देते हैं वो? वो अंजाम इस हिसाब से देते पता ही नहीं चलता, तीनों जने पीछे लग के नीचे और एकदम ऊपर पकड़ा देते हैं मुँह को और तुरंत फेंक दिया, घेर दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मिनट गाय को ले जाने में। कितने बजे की घटना रही? एक घटना 11 बजे की थी। क्या घटना हुई रात को? रात को जी 11 बजे करीब एक हमारा कॉलोनी का लड़का आया हमारे घर के सामने से गाय चढ़ा रहे। क्या नाम है उसका? उसका नाम लक्ष्मण है, सनोक लीला है। अच्छा। और वो आया था, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उस पर पहले तो वार किया, थप्पड़ मारा, फिर उस पर पिलास है या फिर जो कट्टा बिंदु का उनके पास वो लगाइए, वो बाइक लेके भाग गया। तो जब बाइक तेज निकली तो घर वाले जगह उन्होंने देखा तो बाहर गाय लोड हो रही है ट्रक में, उन्होंने तुरंत मोटरसाइकिल निकाली उनके पीछे लगाई तो गाड़ी लेके भाग आए। तो दूसरी जगह गाय लोड करते पकड़े गए, वहाँ पे ईंट मारी है उनमें, पापा जो हमारे पापा जी हैं छतर सिंह, उन्होंने ईंट मारी है, फिर उसके बाद उन्होंने छुटते ही गोली छोड़ी पापा जी पर। आपके पापा के साथ कोई और? एक सतवीर पहलवान है हमारे कॉलोनी के, वो थे दो लोग थे। अच्छा। तीन बार तीन राउंड छोड़े गए उनके द्वारा जो गाय पकड़ के ले जा रहे थे। बदमाशों ने तीन राउंड किए अपने पिताजी पे, लेकिन आपके पिताजी ने फिर भी उनका मुकाबला फिर मुकाबला किया। दो बार तो ईंट मारी, फिर बिजली घर पर जाकर साइड में ड्राइवर साइड में ईंट मारी है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रुकी है। फिर 100 नंबर पर फोन किया गया हमारी कॉलोनी से, करीब नहीं तो एक घंटे बाद पुलिस आई है। कोसी कला रेलवे स्टेशन आजकल नशेबाज साधुओं का अड्डा बन चुका है। रेलवे की जीआरपी पुलिस को आरपीएफ पुलिस कोई भी इन साधुओं के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं करती है। कस्बा कोसी कला का रेलवे स्टेशन आजकल नशेबाज साधुओं का अड्डा बनता जा रहा है। कोसी रेलवे स्टेशन हरियाणा और यूपी की सीमा का पहला स्टेशन है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में यात्री अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस की चौकी और थाना होने के बाद भी इन नशेबाज साधुओं के खिलाफ रेलवे पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है। इन नशेबाज साधुओं की वजह से अच्छे साधुओं के प्रति लोगों की भावना कम होती नजर आ रही है। पुलिस की कार्यवाही न होने के कारण ये साधु ज्यादा संख्या में रेलवे स्टेशन परिसर और प्लेटफार्म पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं।